अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मोहम्मद वकास भट हनीफ ट्यूशन सेंटर की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है ग्रामर स्किल का हमारा आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे एक हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस का एक क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन डी उसको कवर करेंगे और कंपाउंड नाउंस इंशाल्लाह ताला आज हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जी ये डी क्वेश्चन है जी आ, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स ये कुछ वर्ड्स गिवन है नीचे इनके प्लूरल आपने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो पुट करने हैं तो ये पैराग्राफ गिवन है इसमें जो लेटर्स मैं एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ बर्ड गार्डन पर्सन चाइल्ड गार्डनर प्लांट क्रम क्रम जो होते हैं ये आ, ये ब्रेड क्रम्ब्स जो होते हैं ये उसी का ही है क्रम गूस रॉड फादर हैंड स्वान फिश लीफ स्विंग फ्लावर मैन वीड वीड जो है ये ड्राई लीव्स होते हैं जो जो ख़जा के मौसम में जो गिरे होते हैं नीचे ड्राई लीव्स और फुट एंड मदर तो इनके प्लूरल फॉर्म्स जो हैं वो हमने फिलिंदम ब्लैंक्स में पुट करने हैं नीचे पैराग्राफ में तो जी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं देयर वर अ नंबर ऑफ डैश तो यहां पे आएगा देयर वर अ नंबर ऑफ डैश द सनशाइन इन द पार्क तो यहां पे का प्लूरल आएगा पीपल पर्सन जो है वो सिंगुलर है तो पीपल आएगा देर वर आर नंबर ऑफ पीपल इंजॉय द सन शाइन इन दार्क समर प्लेंग ऑन द डैश वॉच्ड बाय देर डैश एंड डैश तो यहाँ पे आएगा सम चिल्ड्रन चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन आएगी यहाँ पे सम चिल्ड्रेन वर प्लेइंग ऑन द स्विंग स्विंग का जो प्लूरल होगा वो स्विंग्स ऐसे ऐड कर देंगे वर प्लेंग ऑन द स्विंग्स वॉच्ड बाय देयर मदर्स एंड फादर्स तो यहाँ पे आप पहले फादर्स भी लिख सकते हैं मदर्स बाद में लिख सकते हैं या मदर्स पहले लिख दें और फादर्स बाद में लिख दें ये आपकी चॉइस है दोनों करेक्ट होंगे टू डैश वर सिटिंग बाय द लेक टू मैन मैन गिवन है ये हमारे पास मैन है तो इसका प्लूरल होगा मैन टू मैन वर सिटिंग बाय द लेक विद फिशिंग रोड्स तो आर ओ डी के साथ एस लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा विद फिशिंग रोड्स इन देयर डैश इन देयर यहाँ पे क्या आएगा टू मैं सिटिंग बाय द लेक विद फिशिंग रोड्स इन देयर यहां पे आएगा जी इन देयर हैंड्स हैंडस डी के साथ ऐसे लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे इन दियर हैंडस हाउ एवर दे हैड नॉट येट कॉट एनी फिश फिश का प्लूरल फिश ही होगा तो फिश आ जाएगा यहां पर लिटल गर्ल विथ बियर फीट नंगे पाओ तो फुट की का जो प्लूरल होगा यहाँ पे आएगा बियर फीट वॉज पैडलिंग इन द शलो वाटर शेलो वाटर मीन्स डीप वाटर एट द एज ऑफ द लेक लेक के किनारे पर बैठ के वो शेलो वाटर के अंदर पाओ पैडल कर रही थी बियर फीट तो शी हैड अ बैग ऑफ क्रम्स ऐसे लगा देंगे क्रम के साथ तो ये प्लूरल बन जाएगा बैग ऑफ क्रम्स विच शी वॉज थ्रॉइंग टू द बर्ड्स यहाँ पर बर्ड का जो प्लूरल आएगा ऐसे लगा के ये बर्ड्स बन जाएगा टू द बर्ड्स नेक्स्ट है जी देर वर सेवरल नोइजी नीचे आंसर्स भी दिए हैं देर वर सेवरल नोइजी गीज ठीक है जी गीज एंड अ पेयर ऑफ स्वान्स स्विमिंग ग्रेसफुली अलॉन्ग द फॉर्मल गार्डन्स यहाँ पे गार्डन के साथ प्लूरल लग जाएगा एस लगा के उसको प्लूरल बना देंगे द फॉर्मल गार्डन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्क वर लुकिंग ब्यूटीफुल खूबसूरत दिख रहा था जी दे कंटेन्ड मैनी डिफरेंट यहाँ पे आएगा प्लांट्स तो प्लांट के साथ हम एस लगा के उसको प्लूरल बना देंगे दे कंटेन मैनी डिफरेंट प्लांट्स विद कलरफुल फ्लावर्स एंड लीव्स यहाँ पे आप कलरफुल लीव्स एंड फ्लावर्स आगे पीछे कर सकते हैं आ टीम ऑफ गार्डनर्स गार्डनर्स जो होते हैं जो माली होते हैं वो गार्डनर था उसका एस लगा के उसको प्लूरल करेंगे यहाँ पर लगेगा कैप एवरीथिंग नीट एंड टाइडी ठीक है जी गार्डनर्स जो थे वो लुक आफ्टर कर रहे थे गार्डन की देर वार नो वीड्स तो ये वीड्स जो हैं ये एस लगा के उसको प्लूरल कर देंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ऑप दिस इज क्लियर तो नेक्स्ट चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड नाउंस तो ग्रामर में जो आपकी ग्रामर हेल्प है वो उसके मुताबिक नंबर वन पॉइंट है अ कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच आर समाइम्स जॉइन्ड टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड और लिंक बाय अ हाइफन फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल कॉफ़ी कप वर्ड प्रोसेसर सिट इन सिटिंग जो है ये जो डिमॉन्सट्रेशन है जो लोग अगर कहीं एहतजाज कर रहे हो सिटिंग फॉरगेट मी नॉट ये एक प्लांट का है एक प्लांट का नाम है फॉरगेट मी मी नाट ब्रश और फ्लाई ओवर ये कंपाउंड नाउन जो है ये दो डिफरेंट वर्ड्स को जॉइन करके एक नाउन एक वर्ड बनाया जाता है जिसे कंपाउंड नाउन कहते हैं कंपाउंड uh, आपने uh, ये जो है इसका मतलब भी यही है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर मिला के जो है वो एक वर्ड बनाते हैं जिसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है अच्छा अब ये जो मिक्सचर है ये आग, आगे मैं कवर करता हूँ इसको अगली स्लाइड्स में ये मिक्सचर जो है ये डिफरेंट वर्ड्स का है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग पूल तो स्विमिंग एक वर्ड है और पूल जो है वो एक डिफरेंट uh, वर्ड है तो स्विमिंग पूल इन दोनों को मिला के हम एक कंपाउंड नाउन बनाएंगे एक कंपाउंड वर्ड बनाएंगे जिसे कंपाउंड नाउन कहा जाएगा इसी तरह कॉफी एक डिफरेंट वर्ड है कप इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड नाउन बनाया जाएगा वर्ड प्रोसेसर ये भी दो डिफरेंट वर्ड्स का मिक्सचर है इसी तरह सेट इन फॉर गेट मी नॉट टूथब्रश फ्लाई ओवर इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट है जी टू uh, uh, इस पॉइंट को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर वर्ड्स विल बी will make a new word that is called compound noun. Next point आ जाए तो make a compound noun plural. अच्छा plural बनाने के लिए इसके कुछ rules हैं compound nouns के ठीक है ये आपको मैं go through करवाता हूँ इन hopefully हम सारे points को go through करेंगे You usually add s or es to the second word. जो जैसे हमने पीछे भी पढ़े आगे भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं तो जो सेकेंड वर्ड होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करके इसको मोस्टली मोस्ट कॉमनली ठीक है यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो है हम एस और ये का इजाफा करके उसको प्लुरल बनाएंगे फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स तो पूल के साथ एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा इसी तरह कॉफी कप्स कप्स के साथ एस लगा के हम इसको प्लूरल बना देंगे वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसर लास्ट वर्ड है इसके साथ ऐसा लगाएंगे और इसको प्लूरल बना देंगे इसी तरह सेटिनस सिटिन वर्ड था हमारा तो उसके साथ हमने एस लगा के उसको एंड वाले लास्ट वर्ड के साथ एस लगा के प्लूरल बनाया फॉर गेट मी टूथ टूथब्रशेज फ्लाई ओवर्स ठीक है जी हम फ्लाई ओवर ये दो वर्ड हैं फ्लाई एक अलग है और ओवर एक अलग वर्ड है दो डिफरेंट वर्ड हैं एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा ओवर के साथ फ्लाई ओवर्स ये है जी प्लूरल का मोस्ट कॉमनली और यूजली जो हम प्लूरल uh, बनाते हैं वो एस या है का इजाफा करके सेकेंड वर्ड के साथ जी स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है हमारा हाउ एवर द फर्स्ट वर्ड इज़ अ नाउन बट द सेकेंड वर्ड इज़ नॉट यू मेक द फर्स्ट वर्ड प्लूरल इंस्टेंट फॉर एग्जाम्पल पासर बाय टू बी पासर्स बाय ब्रदर इन लॉ टू बी ब्रदर्स इन लॉ और लेडी इन वेटिंग टू बी लेडीज इन वेटिंग अच्छा जी ये तीसरा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि अगर दो वर्ड्स के मिक्सचर में पहला नाउन हो और दूसरा जो है वो नाउन ना हो तो हम कोशिश ये करेंगे कि नाउन के साथ जो है ऐसे ही है इसका इजाफा करेंगे ठीक है जी जैसे पासर बाय तो इसका प्लूरल हो जाएगा पासर्स बाय पासर बायज़ नहीं होगा ठीक है पासर्स बाय नाउन पासर है बाय प्रपोजिशन है तो पासर के साथ हम एस लगा देंगे पासर्स बाय इसी तरह ब्रदर इन लॉ ये हम आगे भी चल के मैं इसको जरा डिटेल में बताऊँगा क्या है ये इसका ब्रेकअप देखें तो ब्रदर जो है वो आपका नाउन है और इन लॉ जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ठीक है तो ब्रदर नाउन के साथ ऐस लगा देंगे रादर देन ब्रदर इन लॉज की बजाय ब्रदर्स इन लॉ लेडी इन वेटिंग इसी तरह लेडी जो है आपका नाउन है और इसी तरह प्रपोजिशनल फ्रेज है तो लेडी के साथ हम आई ई एस वाई है तो आई ई एस का इजाफा कर देंगे डी जो है वो कॉन्सोनेंट पिछला जो हमारा रूल जो हम पढ़ के आए हैं तो लेडीज़ इन वेटिंग ठीक है जी नेक्स्ट ये आपके ग्रामर की बुक्स में जो पॉइंट्स गिवन थे हाँ, उन तीनों पे मैंने थोड़ी सी लाइट डाली है अब मैं थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ आपको जी स्टूडेंट Uh, further ऑन कंपाउंड नाउंस वी नो दैट अ कंपाउंड noun इज़ अ noun दैट इज़ मेड विद टू और मोर वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिला के कंपाउंड नाउन जो है वो ए, ए, बनाया जाता है अ कंपाउंड नाउन इज़ यूजली नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन ठीक है जी नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है और भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं और भी बहुत सारी जो है ये यूनियंस हो सकती हैं बट देयर आर अदर कंबीनीशंस यानी कि यहाँ पे और भी कम्बिनेशन हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रेकगनाइज कंपाउंड नाउन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेकगनाइज करना चाहिए कंपाउंड नाउन को ठीक है आप डिक्शनरी कंसल्ट करें आप गूगल करें वर्ड्स को लेके आप उनके प्लूरल्स को सर्च करें ठीक है आपके पास पूरा ये मेमोराइज होना चाहिए जो जो चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती हैं वो मेमोराइज होनी चाहिए आपको याद होनी चाहिए ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट ठीक है हाँ जो कंपाउंड नाउन जो होगा जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो मिक्सचर होगा वो एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाएगा ठीक है जैसे स्विमिंग पूल ये पीछे जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं ये एक वर्ड है ठीक है और स्विमिंग पूल जब मैं कहता हूँ तो हमारे जहन में एक स्विमिंग पूल एक इमेज आ जाता है कि जी ये जो है ये एक एक नाम है स्विमिंग पूल ठीक है यानी कि एक कंपाउंड नाउन है ये एक सिंगल यूनिट होगा एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउंस ये मॉडिफाई कैसे होते हैं एडजेक्टिवस और नाउन्स इन इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अलावा भी होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर मैं लाइट uh, डाल सकूँ इसको कवर कर सकूँ इस टॉपिक को जी नेक्स्ट है जी फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स अच्छा कंपाउंड नाउन्स की तीन फॉर्म्स में आपको ये मिलेंगे ठीक है देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स नंबर वन ओपन और स्पेस्ड ओपन होंगे दो वर्ड्स में ठीक है गैप होगा जैसे टेनिस शू को अगर देखें तो दरमियान में एक स्पेस है टेनिस शू तो ये स्पेस बिटवीन वर्ड्स मेरे फॉर्म में मिलेंगे हाइफनेटेड हाइफन बिटवीन वर्ड्स की सूरत में मिलेंगे जैसे सिक्स हाइफन पैक ठीक है ये एक वर्ड है इसी तरह सिटिन हमने पीछे देखा ब्रदर इन लॉ में हाइफन मदर इन लॉ में हाइफन था तो हाइफनेटेड मिलेंगे फॉर्म में और तीसरी फॉर्म है क्लोज और सॉलिड सात जुड़े हुए होंगे क्लास रूम बेडरूम ठीक है ये इस तरह का नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स तो इस फॉर्म में ये आपको मिलेंगे ये तीन फॉर्म्स हैं जिसमें आपको कंपाउंड नाउन जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट है जी हाँ जी ये एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउंस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि ये कौन कौन से वर्ड्स का मिक्सचर हो सकता है ठीक है नाउन प्लस नाउन हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है वर्ब प्लस आई यानी कि वर्ब भी हो सकता है और वर्ब के साथ आई जैसे स्विमिंग पूल जो है स्विम जो है वो वर्ब है और उसके साथ आई लगा हुआ है ठीक है तो वर्ब प्लस आई प्लस, प्लस नाउन इसी तरह नाउन प्लस वर्ब नाउन पहले आ सकता है वर्ब बाद में आ सकता है और प्लस आई एन जी ये भी एक कंपाउंड नाउन को इस फॉर्म में भी बनाया जा सकता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो सकता है ठीक है एग्जाम्पल्स नीचे गिवन है आई विल रीड दम वन बाई वन नाउन प्लस प्रपोजिशन फ्रेज़ ठीक है जी नाउन के साथ जो है प्रपोजिशन फ्रेज प्रपोजिशन फ्रेज़ एक प्रपोजिशन लगा के एक लंबा फ्रेज बनाया हो जैसे इन लॉ ये प्रपोजिशन फ्रेज में आता है तो ये जो है ये डिफरेंट मिक्सचर्स हैं ठीक है कंपाउंड नाउनस के ठीक है इससे और इसके अलावा एक दो और भी हो सकती हैं तो मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारी जो है वो आपको कवर करके दिखाऊँ और इनमें एग्ज़ाम्पल्स हैं नाउन प्लस नाउन की एग्जाम्पल है जैसे बस स्टॉप इसमें दोनों वर्ड्स नाउन है बस भी नाउन है स्टॉप भी नाउन है और दोनों अलग अलग हैं ठीक है बस और स्पेस है इनके दरमियान इसी तरह फायरफ्लाई फायर फ्लाई ये इंसेक्ट होता है इसको फायरफ्लाई इकट्ठा भी लिख सकते हैं और हाइफनेटेड हाइफन hyphen डाल के भी लिख सकते हैं ठीक है इसी तरह फुटबॉल है कट्ठा वर्ड है ये ठीक है और एडजेक्टिव प्लस नाउन इसकी एग्जांपल्स हैं फुल मून फुल जो है वो एडजेक्टिव है मून जो है वो नाउन है ब्लैक एडजेक्टिव है बोर्ड नाउन है कट्ठा है ये वर्ड ऊपर फुल मून जो है वो उसमें स्पेस थी सॉफ्टवेयर ठीक है जी सॉफ्ट जो है एडजेक्टिव है वेयर जो है वो आपका नाउन है तो ये मिला के एक कंपाउंड नाउन बन गया इसी तरह वर्ब आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली प्लस और प्लस आईएनजी प्लस नाउन ठीक है जी तो ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपका ब्रेक जो है वो आपका वर्ब है और ब्रेक एज ए वर्ब इसको ब्रेक पढ़ेंगे जब इसको प्रनाउंस uh, करेंगे इकट्ठे दोनों को मिला तो ये ब्रेकफास्ट आपका बनेगा तो फास्ट जो है वो आपका नाउन है तो ये दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन बनाया इसी तरह वॉशिंग वॉश आपका वर्ब है मशीन नाउन है तो दोनों को मिला के वर्ब प्लस नाउन हमने एक कंपाउंड नाउन बनाया वॉशिंग मशीन स्विमिंग पूल इसी तरह नाउन प्लस वर्ब आई एन जी की एग्जाम्पल्स हैं सन आपका नाउन है राइज़ आपका वर्ब है तो ये सन राइज़ बन गया इकट्ठा वर्ड है कंपाउंड नाउन है हेयर कट आपका कंपाउंड नाउन है रेन फॉल आपका कंपाउंड नाउन होगा रेन आपका नाउन है और फॉल आपका वर्ब है इसी तरह वर्ब प्लस प्रपोजिशन की एग्जाम्पल्स में चेकआउट है फॉल आउट है टर्न ओवर है ठीक है जी इसमें आप देख लें ओवर जो है प्रपोजिशन है आउट जो है प्रपोजिशन है और ऊपर चेकआउट में भी आउट प्रपोजिशन है ठीक है और वर्ब जो है बाकी पिछले जो वर्ड हैं वो वर्ब है इसी तरह नाउन प्लस प्रपोजिशन फ्रेज़ की एग्जाम्पल में मदर इन लॉ लेडी इन वेटिंग सिस्टर इन लॉ ये जो है ये मैंने आपको डिफरेंट किस्में हैं जो कि कंपाउंड नाउन्स में यूज़ हो सकती हैं नेक्स्ट है जी इसका मेन जो uh, मैं आपको पिछली स्लाइड में लेके जाता हूँ कि ये पॉइंट आपको जेन में रखना है जो हमने ग्रामर हेल्प में पढ़ा यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये टू मेक अ कंपाउंड नाउन प्लूरल यू यूजली एड एस और ये टू द सेकेंड वर्ड फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल्स कॉफी कप्स वर्ड प्रोसेसर्स सिट इन्स फॉर गेट मी नोट्स टूथब्रशज फ्लाई ओवरस बेसिकली एक ये रूल आपने जेहन में रखना प्लुरल बनाने के लिए एक चीज़ आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जब आप प्लूरल बना रहे हो इन वर्ड्स का तो आपको देखना है कि मेन इम्पोर्टेंट हेड वर्ड कौन सा है ठीक है और एक आपको मैंने ये बताया है कि इसी लास्ट स्लाइड में मैं दोबारा लास्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ आपको इसमें आप ये पॉइंट तीसरे वाला पॉइंट देखिएगा ज़रा हाउ एवर इफ द फर्स्ट वर्ड इज अ नाउन बट द सेकेंड वर्ड इज़ नॉट यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर यह देखें पासठ जो है ये नाउन है बाय जो है ये प्रेपोजिशन है यानी कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन मिल जाए कि नाउन पहले मिल जाए और बाद में प्रपोजिशन बाद में हो तो आपने नाउन के साथ ऐसी नहीं लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है एक फॉर्म तो यह है प्लूरल की कि आपने सेकेंड वर्ड के साथ ऐसी नहीं ऐसे लगाना है ठीक है और एक फॉर्म यह है कि अगर आपको नाउन के साथ फ्रेज़ मिल गया तो आपने नाउन के साथ ये दो चीज़ें तो आपको ईजिली समझ में आएंगी तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपने ये देखना है कि वर्ड में से हेड कौन सा है ठीक है हेड यानी कि इम्पोर्टेंट कौन सा है ये नाउन मैं कोशिश करता हूँ इनके प्रूरल बनाने की साथ साथ आगे भी है अगर स्लाइड में भी आएंगे थोड़े से वो भी आपको ज़्यादा और भी कवर करेंगे तो नाउन प्लस नाउन में देखें जैसे एग्जाम्पल बस स्टॉप तो हम बस स्टॉप्स करेंगे सेकेंड वर्ड के साथ ऐसे लगाएंगे फायर फ्लाइज ठीक है जी एल आई ई एस फायर फ्लाइज फुटबॉल्स सेकेंड वर्ड के साथ ऐसे लगा के इसको प्लूरल बनाएंगे इसी तरह इसमें आपका है जो सेकेंड पॉइंट है ये एडजेक्टिव प्लस नाउन इसमें फुल मून्स फुल मून्स फुल मून एक अच्छा इसमें एक पॉइंट आपने देखना ये भी फुल मून ही होगा इसका प्लूरल ठीक है अगर बहुत फुल मूनस कर देंगे गलत नहीं होगा लेकिन फुल मून आपका काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों में आता है ठीक है कुछ वर्ड्स हो वो होते हैं जो जैसे सनराइज ये भी आपका काउंटेबल भी है और नॉन काउंटेबल भी है तो ये जो है सनराइज जो है ये ये भी आपका प्लूरल में भी यूज़ हो सकता है इसी तरह फुल मून जो है क्योंकि मून एक यूनिट है ठीक है इसको आप एज ए प्लूरल भी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल है तो अगर बहुत फुल मून आपका गलत नहीं होगा ग्रामेटिकली ठीक है जी तो फुल मून भी आप इसको एज ए यूज़ करेंगे इसी तरह सनराइज़ है इसमें जितने भी अगर आप नीचे देखें हेयर कट ये भी आपका काउंटेबल नॉन काउंटेबल है हेयर कट आपका एज ए प्लूरल भी यूज़ हो सकता है लेकिन आप हेयर कट्स भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा इसी तरह सन भी आपका प्लूरल है ग्रामेटिकली गलत नहीं है लेकिन ये भी आपका सन राइज़ एज ए प्लूरल भी यूज़ हो सकता है इसी तरह रेनफॉल काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों में आती है तो रेनफॉल भी काउंटिंग की जा सकती तो इसको रेनफॉल्स भी कह सकते हैं और रेनफॉल दोनों आपके प्लूरल ठीक हैं इसी तरह फुल मून भी आपका ठीक होगा एज ए प्लूरल ब्लैक बोर्ड के साथ एस लगा देंगे जी सेकेंड वाले वर्ड के साथ ब्लैक बोर्ड्स ठीक है एस लगा देंगे इसी तरह ब्रेकफास्ट्स ब्रेकफास्ट और वॉशिंग मशीन्स, स्विमिंग पूल्स यहाँ पे भी आप सेकेंड वाले वर्ड में एस लगाएंगे ठीक है जी और वैसे भी नाउन सेकेंड पे आ रहा है तो ऐसे ही लगाएंगे और इसी तरह इसमें देख लें ये मैंने आपको बता दिया नॉन प्लस वर्ब सनराइज़ ये काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों में आती हैं और सनराइज़ भी ठीक है आपका प्लूरल और सनराइज़ भी ठीक है हर हेयर कट्स भी ठीक है रेन फॉल्स भी ठीक है और रेनफॉल भी ठीक है इसी तरह नेक्स्ट है जी वर्ब प्लस प्रपोजिशन जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको एंड पे ऐसे लगा देना चेकआउट्स फॉल आउट्स टर्न ओवर्स टर्न ओवर जो है ये भी आपका टर्न ओवर एज ए प्लूरल भी यूज़ हो सकता है टर्न ओवर्स भी आपका प्लूरल एज ए प्लू यूज हो सकता है इसी तरह ये थे वो नाउन प्लस प्रपोजिशन फ्रेज फ्रेजिज जिसमें सेकेंड नहीं नाउन के साथ ऐसे लगाएंगे तो मदर्स इन लॉ लेडीज इन वेटिंग सिस्टर्स इन लॉ तो होप दिस विल कवर यू द प्लूरल जो मैंने आपको तीन चार पॉइंट्स बताए हैं हेड है ठीक है नाउन है नाउन के साथ ऐसे लगा देंगे नेक्स्ट फ्रेज प्रपोजिशन फ्रेज है नेक्स्ट अगर या प्रपोजिशन है तो नाउन के साथ यानी कि अगर कंबाउंड नाउन में पहला वर्ड नाउन है और दूसरा प्रपोजिशन या प्रपोजिशन फ्रेज़ है तो नाउन के साथ ऐस लगाएंगे इसी तरह सेकेंड वर्ड के साथ हम ऐस लगाएंगे ठीक है और हेड देखेंगे कौन सा है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है ये मैंने कुछ सिंगुलर और प्लूरल की फर्दर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर सकूं अ टेनिस शू तो थ्री टेनिस शूज़ सिंगुलर होगा टेनिस शू का ये सिंगुलर है इसका प्लूरल होगा थ्री टेनिस शूज़ तो ई एस लगा दिया ई के साथ एस लगा दिया हमने असटेंट हेड मास्टर ठीक है जी तो, गा गा गा। तो इसमें हेड मास्टर्स एस लगा के इसको प्लूरल कर देंगे इसी तरह तो सर्जेंट मेजर है द सर्जेंट मेजर तो सन सर्जेंट्स मेजर एस लगा देंगे नाउन के साथ यहाँ पे इसी तरह, तरह मदर इन लॉ है तो टू मदर्स इन लॉ मदर्स के साथ एस लगा के इसको बनाएंगे असटेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा अगर वर्ड आ जाता है तो असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट लगा के इसको प्लूरल बनाएंगे टूथब्रश और टूथब्रशेस वुमेन डॉक्टर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड नाउन है वुमेन डॉक्टर जो है अगर वुमेन डॉक्टर मैन डॉक्टर इस तरह के सिंगुलर आते हैं तो आपने दोनों के को प्लूरल बना देना है ठीक है जी वुमेन डॉक्टर्स ठीक है इसी तरह अगर मैन डॉक्टर होगा तो मैन डॉक्टर्स ठीक है दोनों को आपने प्लूरल बनाना है ये आपको एक्सेप्शनल केस है ये आपको ज़रा जहन में रखिएगा इसी तरह डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी है तो डॉक्टर्स ऑफ फ़िलासफी पासर बाय पहले भी कर चुके हैं यह हाइफनेटेड भी हो सकता है और पासर के साथ ऐस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे पासर्स बाय अच्छा जी एक इम्पॉर्टेंट केस है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है टी स्पून टी स्पून जो है ये इसमें अगर आप देखें तो टी स्पून आपका नाउन है और फुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है ठीक है तो नाउन के साथ ऐसे लगाना चाहिए जो हमने पढ़ा है तो नाउन के साथ तो टी स्पूं फुल ठीक है ये भी ये बेसिकली ये है ओल्ड मैथडोलॉजी ये पुराने तरीक़ों में जो इसका प्लूरो लिखा जाता था टी स्पूं फुल लिखा जाता था और इसको टी स्पून फुल्स भी लिख सकते हैं और ये आपकी लेटेस्ट ग्रामर ग्रामर रूल्स हैं तो टी स्पून फुल्स जो है अगर आपको ये सिंगुलर एग्जाम में आता है टी स्पून फुल ट्रक फुल बकेट फुल का फुल बेसिकली आपका ये वाला जो पहले वाला है टी स्पूं फुल ये है तो करेक्ट लेकिन आपका एग्जामिनर जो है वो इसको शायद गलत कर दे क्योंकि आप लेटेस्ट रूल्स को फॉलो करेंगे लेटेस्ट जो ग्रामर रूल्स हैं वो इसके मुताबिक टी स्पून फुल्स सेकेंड वर्ड के साथ है ऐड किया जाता है तो ये वाला जो है ये करेक्ट समझा जाएगा ठीक है ग्रामेटिकली अगर आप डिक्शनरी भी देखेंगे या गूगल भी करेंगे तो आप अगर इस वर्ड को सर्च करें टी स्पूंस फुल तो ये भी आपका प्लूरल जो है वो ठीक है बट एग्जामिनर जो है वो आप वो आपसे ये चाह रहा है ठीक है आप इसको इस तरह समझ लें कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ये जवाब दें टी स्पून फुल्स तो एंड पे इसका ऐसे लगा दें इसी तरह ट्रक फुल तो ये पुराना तरीका जो था वो ट्रक्स फुल और नया जो ग्राम जो जो एग्ज़ामिनर आपसे चाह रहा है कि आप ये जवाब दें तो वो सॉरी यहाँ पर जरा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसको आप फुल्स कर लें एफ यू एल एस ठीक है बाकी सब ठीक है तो बकेट फुल तो बकेट फुल्स आपका करेक्ट होगा कप फुल ये कप फुल्स जो है एंड पे आपने ऐसे लगाना है इसको होप दिस क्लियर माय ऑल द टॉपिक प्लुरलाइजेशन ऑफ कंपाउंड नाउंस और कंपाउंड नाउन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम uh, है या अभी भी आप समझते हैं कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो uh, ये आप uh, इसको डिक्शनरी uh, कंसल्ट करें ठीक है बहुत सारे कंपाउंड नाउंस के प्लूरल जानने के लिए आप डिक्शनरी देखें गूगल करें और लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश की है वो सारे इन्हीं में कवर हो जाते हैं सारे पॉइंट्स ठीक है होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स टू यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एज़ वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन सो यू वांट मिस माई अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी Thankfully, waiting for your subscriptions. Thanks. Thank you.